सिंध के 250 किलोमीटर वसी साहिल पर 300 साल पुरानी बस्ती रेहरी गोठ के नाम से आबाद है। यहाँ पर 1,20,000 लोग रहते हैं, जिनमें से बेशतर माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता हैं। इसमें मुख्तलिफ कारोबार है, झींगे का भी है, भूला जाली भी है, कतरा भी है, छोटा किश्तियाँ भी आई, बड़ा भी है। जितना बड़ा किश्तियाँ अभी फर्ज करो कतरे वाला चारा रोज़ाना 50,000 रुपये खर्चा है डेली रोज़ाना। एक बजे दिन को एक बजे जाएगा, सुबह 8 बजे वापस आएगा, 50,000 लेबर और डीजल राशन। और किश्ती जो छोटा जो किश्ती है इसका हफ्ते का 10,000 रुपये खर्चा होता है, वो भी चाइना का एक सिलेंडर फीटर। अगर 4 सिलेंडर हो तो उसका कम से कम 25-30,000 रुपये खर्चा होता है हफ्ते का। तकरीबन मैं सन 94 से या 93 से 93 से या 94 से तो मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। उसी दौर से पहले इक्का दुक्का यानी कि एक दो दिन या एक हफ़्ते के लिए अपने वालिद साहब के साथ निकल जाता था समंदर पे। तो उन्हीं दिनों में कम फैक्ट्रियाँ बनी थी अपर समझो कराची में, इस साइड पे बेस कॉलोनी है या समझो एक्सपोर्ट जोन है, इनका कचरा कम गिरता था। तो उसी वक्त तकरीबन घर से बाहर यानी किनारे को छोड़ के हम बाहर समझो इस तरफ आगे उस किनारे पर तो शिकार लग जाता था। अभी हालात ऐसे हो गए कि यहाँ से 25 किलोमीटर का दायरा आप और कवर कर लें उसके बाद शिकार लगता है। तो उनके लिए गहरे समंदर में यानी कि बहरी अरब जिसे कहते हैं, ये किनारे का आपको नज़र नहीं आएगा, वहाँ इनका शिकार लगता है। मगर वहाँ अगर हवा की थोड़ी सी रफ्तार भी हो ना तभी आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। गोट में समझे सी आलूदगी की वजह से या पूरा माहौल आलूदा होने से वजह से तकरीबन बच्चे भी अभी माजूर हैं बहुत, वैसे 50 से ज़्यादा माजूर लोग हैं पूरे रेडी में। अगर 50,000 की आबादी है तो उसमें 150 माजूर होने का वैसे है। वैसे यहाँ माहीगीरों में 30 या 40 साल पहले माजूर पैदा नहीं होता था, अभी हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? आलूदगी की वजह से हो रहा है। रेहरी गोठ के मरकजी हेल्थ सेंटर में एनजीओ से मुंसलिक डॉक्टर्स की टीम्स मासूर और अपाहिज बच्चों का इलाज करती हैं, जिनमें मुफ्त अद्वियात की फराहमी और फिजियोथेरेपी की सहूलियात शामिल हैं। इन्हीं मासूर बच्चों में रुखसार भी शामिल है। ये पैदाइश ये बेनजी की वर्सी थी ना, तब ये पैदा हुई थी जुम्मे वाले दिन जन्ना हॉस्पिटल पैदा होते वहाँ ले गए। 25 दिन वो शीशे में रखी थी इसको, वो इलाज 25 दिन किया। फिर उन लोगों ने कहा कि ये कुदरती है, ये ठीक नहीं हो सकती, आप इसे सिर्फ मलम तेल वगैरह लगाती रहे। ये जल्द का तो इलाज नहीं होता, लेकिन इसको खांसी बुखार होता है तो उसके इलाज के लिए मिलता है, लेकिन इसको इंजेक्शन नहीं लग सकता, कोई भी इसको इंजेक्शन नहीं लगाता है, नस वगैरह इसकी दिखती नहीं है। यहाँ आगा खान में इसको एक महीने का 1,000 रुपया मिलता है, उसमें से मलम वगैरह इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ मैं, उसको ये करती हूँ जिसम पे इस्तेमाल करती हूँ खाने के लिए लेते लेकर आती हूँ। हर महीने 1,000 रुपया यहाँ मिलता है आगा खान में। तकरीबन इन खानदान में 8 बुरेवा थी विया, ये पूरी फैमिली माना हेकड़ा रिश्तेदार आन तमारे डॉक्टर इयां ता जों त इनी जो रिश्तो कठे आते इन जे करे इयां ता थी। असान जे ख्याल में त इया है त गंदगी सारी दरिया में भी पाए तो उनमा मच्छी पे पले तो वो मच्छी दुनिया खाए पे, रोजगार कम थी वियो है, गंदगी ज्यादा है त वो बच्चा प्या खेन त मा पे खाए त बीमारी फैल जी वे है त उन जे वजह सा पे इया थिए पियो। जोश भाई कर रहे हैं।
آلودگی کے پھیلاؤ کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے ہم امن کموں کے ساتھ ان جگہوں پر گئے جہاں صنعتی اور شہری اخراج ریڑھی گوٹ کے پانی میں آ ملتا ہے۔ میں شیر پاؤ مظفر آباد قائد آباد ہاں 89 یہ کچھ ملے ہیں داؤد ملے حسینیہ ہے نگریہ ہے ان کے یہ سمجھو آلودگی آ رہی ہے کیوں کیمیکل والے کپڑے بناتے ہیں تو ان کا لازمی کلر وغیرہ کی وجہ سے اس میں کیمیکل ہے سمجھے اس میں تو مچھی بھی نہیں ہوتا ہے کیمیکل وجہ سے۔ یہ علاقہ صرف بیس کالونی کا ہے جو مویشیوں کا سمجھے واحد مرکز ہے پاکستان میں جس کا گوبر یہ سب ہمارے یہاں کر رہا ہے۔ ہم لوگ ابھی مینگرو پہ موجود کھڑے ہیں اور پہلے آلودگی نہیں تھی مچھی جھینگا بھی ہوتا تھا۔ ابھی یہ گوبر کے وجہ سے کچھ میلوں کا سمجھو کپڑوں کا میل کارخانے ہیں اس کے آلودگی کی وجہ سے مچھی جھینگا تو کتی ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ پولوشن اگر نہیں ہوتا تو قریبی مچھلی پکڑ لیتے، پولوشن نہیں ہوتا تو ان مچھلیوں کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتے، مچھلیوں کے ساتھ سے میرا مطلب ہے جو فشریز کے جو پروڈکٹس ہیں ان پہ اثر انداز ہوتے۔ تو یہ سارے مل کر ایک ایسی گھمبیر سچویشن بن گئی ہے جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کام شروع کہاں سے کریں، کس کو بلیم کریں۔ ہم بلیم کرتے ہیں جی سیویج کیوں آ رہا ہے، را سیویج کیوں نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کام کر رہا ہے، تیل کیوں آ رہا ہے، 8,000 یونٹس کراچی میں کام کر رہے ہیں لانڈی کے ہیں کورنگی کے ہیں انڈسٹریل ایریا کے ہیں، یہ 8,000 یونٹ کا جو کیمیکل ایفلوئنٹ ہے جو سیویج اور وہ جو ڈسچارج ہے وہ جا کہاں رہا ہے، یہیں پر جا رہا ہے۔ کیا ہے جی، قانون ایک کاغذ کا پرزہ ہوتا ہے، قانون کے پیچھے قدریں کام کرتی ہیں، اگر قانون کے پیچھے ویلیوز اور ہیومن ہماری انسانی قدریں نہیں ہیں وہ قانون ایک کاغذ کا پرزہ ہے۔ یہ دو مہینے کے اندر سمجھو جلدی موڈ ہو جائے گا۔ چلو مارو اس بلا کہ جا بھی کر رہی یہ بھی پڑھ رہا ہے، دو تین بچے اور ہے اور ٹیچرس پڑھ رہا ہے سمجھ اپنے علی گوٹھ میں، لیکن فیس کا بڑا جھنجٹ ہے، ہم لوگوں کو گلے پڑ جاتا ہے۔ سمندر جو ہے یہ ہمارا
रोजगार कमाने का समझो जरिया है, इसे हम कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हम लोग भी खुशहाल होते हैं, ये माँ से भी अजीम समझते हैं। ये हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एरिया हमारा गंदा हुए, लेकिन हमारे वश की बात है ही नहीं। ऐसी कोई तंजीम हो कि इसको साफ सुथरा करे, तो ऐसी तंजीम तो अभी तक कोई निकली उबली नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मैं तेल फेंकूंगा समंदर में तो ये बुरी बात, तो फिर मैं अपनी कश्ती से तेल ना फेंकूं, तो फिर मैं शिकायत भी ना करूं कि भाई वो लोग फेंक के चले आते। देखना यह है जी कि कानून की पासदारी करने के लिए क्या हमें फिलफौर कोई ऐसा नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां के रहने वालों को तरबियत देनी पड़ेगी और उनसे मुलाक तमाम अहलकार, तमाम सियासी और ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी एक तरबियत देनी पड़ेगी कि हमें इस इलाके को बचाना है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद ये घोट खत्म होता जाए, मछली यहां से खत्म होती जाएगी। जब मछली नहीं मिलेगी तो सिर्फ लड़कियां और औरतें एम्ब्रॉयडरी करके गुजारा नहीं कर सकती, तो इनको कहीं और जाना पड़ेगा, मर्द कोई कोई और काम कर रहे होंगे। तो ये पूरी जो फिशिंग कल्चर है हमारा, जो पूरा फिशिंग कम्युनिटी है, हो सकता है कि ये डिप्राइव्ड कम्युनिटी बन के कहीं और चली जाए।